नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। झारखंड के गिरिडीह में बारिश की वजह से एक पुल गिर गया है और कारीपहरी गांव में अर्गा नदी पर बना पुल पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। नदी के तेज बहाव पर निर्माणाधीन पुल गिर गया। बताया जा रहा है कि पुल गिरने की आवाज काफी तेज थी, जिसके आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई और इस निर्माणाधीन पुल की लागत करीब 5.5 करोड़ रुपए थी, जो पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, ये झारखंड के गिरिडीह की तस्वीरें हैं, जहां पर 5.5 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल को बनाया जा रहा था, लेकिन जब बारिश आई और नदी का जल स्तर बढ़ा तो ये धराशाही हो गया। अब सवाल कई सारे हैं कि क्या घटिया सामग्री का यहां पर इस्तेमाल किया गया था या फिर किसी की लापरवाही रही जिसके चलते ये धराशाही हो गया। उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर सवाल खड़े किए हैं और जीतन राम मांझी ने पुल गिरने की घटनाओं के पीछे साजिश का शक जताया। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले पुल गिरने का कोई मामला सामने नहीं आया था। उन्होंने जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचे जाने का भी आरोप लगाया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये साजिश रची जा रही है, क्योंकि 15 दिन पहले तक इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आ रही थी। ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं, काहे पुल गिरे हैं, तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा। लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था या अभी क्यों गिर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है। जानबूझकर के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था, एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है, इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझकर के कहीं ना कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। और संत कबीर नगर में 5 बच्चे झुलसे आकाशीय बिजली की चपेट में आए, 5 मासूम बच्चे, 1 की मौत हो गई, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और घर के बाहर खेलते समय बिजली गिरी थी। दुधारा थाने के छाता गांव की घटना है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 की मौत हो गई है, साथ ही 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि 4 जिनकी हालत बेहद गंभीर है। और 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नए मुख्य सचिव बनाया गया है और दुर्गा शंकर मिश्र की जगह मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया। दुर्गा शंकर मिश्रा को 4थी बार सेवा विस्तार नहीं मिला है, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 1988 बैच के आईएएस हैं मनोज कुमार सिंह और साथ ही दुर्गा शंकर का कार्यकाल आज खत्म हो गया, जिसके बाद पे मनोज सिंह अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन है मनोज कुमार सिंह। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन औद्योगिक विकास आयुक्त रहे हैं और पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव भी रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग विभाग के अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने में चेयरमैन भी रह चुके हैं और साथ ही गौतम बुद्ध नगर के डीएम भी रह चुके हैं। कई योजनाओं को धरातल पर उतारने में इनकी अहम भूमिका रही। जीआईएस 2023 में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी और जुलाई 2025 में रिटायर्ड होंगे। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। क्या प्राथमिकताएं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर रहेगी? धन्यवाद। मेरी पहली प्राथमिकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश तय किए हैं, जो प्राथमिकताएं तय की हैं, प्रदेश और प्रदेश के 24 करोड़ आबादी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए, उनको बहुत ही तेज गति के साथ धरातल पर उतारना है। जो उन्होंने सपना देख रखा है प्रदेश के विकास के लिए,
हर दिशा में हर विभाग में उनको बहुत ही तेजी से क्रियान्वित करना, यही हमारा लक्ष्य होगा। सर हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है, इसके अलावा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसा आपके जिम्मे था, पूरा आयोजन वो बेहतर तरीके से हुआ। अब जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको लेकर किस तरीके से आश्वस्त है? ये एक बहुत ही वरीयता की बात है और ये काफी ऊपर है माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडा में, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करना, और उसमें सभी विभागों का योगदान है। बट मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडस्ट्री से सीधा जुड़ा हुआ है, इसका योगदान लगभग 50% रहेगा उसमें। तो हमारी ये वरीयता होगी कि जो भी हमारे विभागीय कार्यक्रम है इंडस्ट्री के, जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, उनमें सारी इंडस्ट्रीज मौके पे जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करें। सर अंतिम सवाल है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, क्या लग रहा है कि भविष्य में ये सब धरातल पर मजबूती से नजर आएगा, रोजगार उद्योग इनको बढ़ावा मिलेगा उत्तर प्रदेश में? बहुत तेजी से इस तरह का जो अभी माहौल बना हुआ है प्रदेश में निवेश का, और जो लोगों में उत्सुकता है और जो लोगों में एक तरह से आप कहिए आने के लिए यहाँ पर निवेश करने के लिए जो उनमें तत्परता है, उसको देखते हुए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो हर हाल में पूरा होगा। थैंक यू।